सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गढ़वा जिले के रंका झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा अध्यक्ष नितेश कुमार सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संबंध में उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर मालिक ने स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को लिखित आवेदन दिया है कि रंका अनुमंडल पदाधिकारी पैसा लेकर बालू का ढुलवाई करवाते हैं जो राजस्व की हानि है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग इस बात की कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इधर रंका अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि इधर दो चार दिन से बालू माफियाओं के विरुद्ध कड़ी छापेमारी अभियान चलाई जा रही है, जिसके कारण बालू माफिया इस कार्य से तिलमिला उठे हैं और मेरे विरुद्ध झूठा आरोप लगा रहे हैं, जबकि मेरा कोई आदमी नहीं है। मैं सरकारी राजस्व वसूली के लिए स्वयं सक्षम हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रंका प्रखंड अध्यक्ष आशीष गुप्ता, गढ़वा जिला प्रवक्ता कार्तिक पांडे, अहमद अली, रंका प्रखंड युवा अध्यक्ष दीपक सोनी और गाड़ी के मालिक उपस्थित थे। रंका से विकास कुमार की रिपोर्ट। रंका अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा हम लोगों को बहुत सताया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, बालू ढोने के नाम पर अवैध पैसा वसूली किया जा रहा है, जिसका कोई चालान नहीं किया जा रहा है। हमने इसको गंभीरता से लिया और हम लोगों की छवि इससे धूमिल हो रही है, सरकार की छवि धूमिल हो रही है। इसलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से यह बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो अनुमंडल पदाधिकारी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि माननीय मंत्री जी का पिछले 3 महीना कार्यक्रम हुई थी रंका में और सभी पीएम आवास निर्माण के वैसे लाभुक थे जो बालू के क्राइसिस में अभाव व्यक्त किए थे। माननीय मंत्री जी उसी वक्त यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी और बीडीओ को आदेश दिए थे कि प्रत्येक पंचायत से 5 गाड़ी चिन्हित करके और बालू सरकारी कार्य में ढुलवाने का काम करें। और जब ये लोग सभी ट्रैक्टर ऑनर लोग जब उनके पास गए तो ये अपने महीना में 8,000 रुपया, जैसा कि सभी ट्रैक्टर ऑनर ने लिख के बताया कि SDO साहब के द्वारा 8,000 रुपया महीना लिया जाता है। अगर हम लोग 8,000 रुपया महीना 20 तारीख को दिए तो 10 दिन में ही इनका महीना पूर जाता है और 2 तारीख को फिर से ये पैसा की डिमांड करते हैं। पैसा अगर टाइम पर नहीं मिला तो ट्रैक्टर को पकड़ के अपने यहाँ लगा के 50,000 रुपये 40,000 रुपये तक की वसूली कर रहे हैं। हमारे यहाँ रंका प्रखंड के बहुत सारे लोग ट्रैक्टर को लोन पर लेके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लोन भर रहे हैं। इस परिस्थिति में ये काफ़ी गंभीर मामला है, इसकी जांच कराई जाएगी, माननीय मंत्री जी को सूचित किया जाएगा, जिला उपायुक्त को बताया जाएगा, इस सभी मामला को जांच कर ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई किया जाए ताकि सरकार का जो वसूली होता है चालान के माध्यम से वो राजस्व की भी क्षति हो रही है, इनका अपना राजस्व के लाभ हो रहा है। तो हम चाहेंगे प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कि ताकि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई हो।